विश्व में भारत देश अपना एक अलग स्थान रखता है। दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में शामिल अमेरिका में भी भारत का गौरव स्थापित है। भारत देश के मूल निवासी डॉक्टर रामा एस द्विवेदी स्वामी रामानंद जी महाराज का दस्तक भारत पर पेश है गांव देहात की खास वार्ता। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज गांव देहात में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो गांव देहात से ही निकलकर, भारत के गांव से निकलकर अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र में कार्यरत हैं। वैज्ञानिकता के क्षेत्र में उनका योगदान है, आध्यात्म से भी उनका जुड़ाव रहा है। तो सबसे पहले तो महाराज जी आपका स्वागत है। डॉक्टर आर एस द्विवेदी जी, डॉक्टर आर एस द्विवेदी जी स्वामी रामानंद जी के नाम से भी विख्यात हैं। आप सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है। इस अवसर पर आप क्या बताना चाहते हैं? हमारा सवाल बस यही है कि आपके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी बता दें। सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक के पिपरी साईनाथपुर गांव से ये बिलोंग करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। उसके बाद 1989 से ये अमेरिका में कार्यरत हैं, वैज्ञानिक वहाँ पे हैं। और इस समय जब भी उनको मौका मिलता है सुल्तानपुर या भारत के गाँव में आते हैं। इस समय आपकी यात्रा भी गाँव पर ही आधारित है। बहुत सुंदर। तो अंजनी जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। ये सत्य है कि हम 87 में शिकागो गए हैं और 87 से 2007 तक हम शिकागो में थे। 2008 में हम वाशिंगटन डीसी आए हैं और अमेरिका की सबसे सुंदर जिसे कहते हैं प्रभावशाली एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम ज्वाइन किए, जो अमेरिका सरकार का फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आप जिसको कह सकते हैं कि विभाग है। फूड एंड ड्रग कंट्रोल करता है $25 में, 100 सेंट में 25 सेंट से ज़्यादा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, खाना पीना दवा कॉस्मेटिक्स। इनमें रहने के बाद भी हमारा जीवन अध्यात्म की तरफ जुड़ा हुआ है। तो अब आप पूछ सकते हैं क्यों जुड़ा हुआ है? वही एक सवाल। बहुत सुंदर। तो हर व्यक्ति, हर जीव अपने जीवन में शांति चाहता है, खुशी चाहता है जी। लेकिन वास्तव की खुशी उसके जीवन में कहाँ से मिलती है ये उसको जानना है। तो हम सबको अक्सर बताते हैं आपको उस पीस को खोजना है। तो एक उदाहरण हमको बहुत अच्छा लगता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ़ई बनमान। तो कस्तूरी जो है मृग के पास है लेकिन मृग को पता नहीं चलता, भागता रहता है इधर उधर। ऐसे जीव जो है सुख शांति के लिए भागता रहता है, पैसा कमाना, ये करना, वो करना, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वास्तव की शांति उसके अंदर ही विद्यमान है। अब वो शांति कैसे पता चलेगा? उसके लिए जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे जी, अध्यात्म ही उस सुख शांति की कुंजी, जैसे कहते हैं सक्सेस की, आप सक्सेस ये अध्यात्म, इसीलिए हम अध्यात्म से जुड़े हुए। ये डॉक्टर रामा एस द्विवेदी से स्वामी रामानंद जी महाराज का ये जो सफ़र था ये कब शुरू हुआ? अब अगर पूछा जाए तो जैसे पेड़ तभी शुरू हो जाता है जब बीज आप डालते हैं जी। जिस दिन बीज का अंकुरण हो जाता है पेड़, उसी दिन शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत 1984 में जब हम यहाँ पे थे तो मेडिकल काल में डॉक्टर कुट्टी हुआ करती थी, उनके स्नेह प्रेम के कारण हम ऋषिकेश गए और तब से हमारे ये यात्रा अध्यात्म की शुरू हो गई 1984 अगस्त में। गुरु पूर्णिमा का दिन था। कभी कभी हम इस बात को कहते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पे बगैर गुरु कृपा के आपका चलना बड़ा मुश्किल है। जैसे काई पे चलते हो तो फिसल जाते हो, वैसे जीवन में बगैर गुरु के अगर अध्यात्म चलोगे तो आप गिरते पड़ते आपके अंग प्रत्यंग टूट जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर गुरु की कृपा है तो आप देखोगे वो काई पे चलने के लिए भी आप दौड़ करके चल सकते हैं। तो अध्यात्म का मार्ग जो है
उस पर गुरु कृपा, तो हमको गुरु पूर्णिमा के दिन 1984 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी में स्वामी चिदानंद जी महाराज ने हमें गुरु दीक्षा दे दिया। अब कभी कभी हम कहते हैं लोगों से कि भाई, कहते हैं गुरु कहाँ मिलेगा, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, भाई गुरु की खोज आप कर नहीं सकते हो, गुरु स्वयं प्रकट होता है। जब शिष्य इस लायक हो जाता है, उसके मन की वेदना, उसके मन के अंदर वो आक्रोश, उसके मन के अंदर अध्यात्म की तरफ चलने की भावना दृढ़ हो जाती है, तो गुरु प्रकट हो जाता है। तो हम इस बात को फिर से कहेंगे कि अध्यात्म जो है वो एक तरह का वो विज्ञान है जिसको हम कम समझ पाए हैं, लेकिन ये विज्ञान वहीं से निकला, आधुनिक विज्ञान हमारे अध्यात्म से ही निकला हुआ है। और अगर आप उसके अंदर जा कर के देखोगे तो आप कहोगे कि ये विज्ञान अध्यात्म का एक पूरक है, ये शक्ति वहीं से मिलती है। एक हमारा अंतिम सवाल आपसे कि अमेरिका आधुनिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है और अमेरिका की धरती पे ही 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐसा वक्तव्य भाषण दिया जिससे जिसकी वजह से हमारे सनातन धर्म से पूरा विश्व परिचित हुआ। विश्व बांधुत्व की भावना में उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थित हमारे भाइयों एवं बहनों। उसके बाद जो है, आप हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पे अध्यात्म की बात करना, लोगों को अध्यात्म के बारे में बताना, यहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन अमेरिका में वो स्थितियाँ पहले से नहीं थी। आप पिछले 3 दशक से वहाँ पे हैं, अध्यात्म के रूप में भी आप वहाँ पे प्रतिष्ठित हैं, तो लोगों को कितना कुछ आप सहज महसूस करा पाते हैं अध्यात्म से संबंधित? तो ये बात आपकी सत्य है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपने जो अपने सनातन धर्म से संबंधित जो अध्यात्म की नींव डाली और वो अब विकसित हो चुका है। आधुनिक अमेरिका में अपने देश का बड़ा गौरव है, जैसे आपने सुना होगा कि योग जी, आप देखोगे कि अमेरिका की गलियों गलियों में योग केंद्र स्थापित हो गए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के यूरोप में ज़्यादातर संस्कृत की पाठशालाएं चल रही। आप देखोगे तो हमारे अमेरिका में हर शहर में अध्यात्म से जुड़े हुए मंदिर हैं, विशेषकर इस्कान के मंदिर जो हैं। कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें हरे कृष्णा इस्कान का मंदिर न हो। साथ साथ मंदिरों की वाशिंगटन डीसी में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, एक नहीं आप देखोगे तो तमाम मंदिर हैं। तो जिससे हमारे भारतीयों के मन में ये जो भावना आई कि पहले जो भारतीय गए थे उनको ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जो भारतीय जा रहे हैं उनको ये विश्वास है कि हमारा अध्यात्म ही हमारे विकास का कारण है। हमको अगर उन्नति करनी है तो इसको ले करके ही हम उन्नति कर सकते हैं, यही हमको दिशा प्रदर्शन करता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और हमारे जीवन में सफलता का एक रहस्य है जो ये बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। सुना आपने किस तरह से अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। इतना ही नहीं, भारत देश से उत्पन्न योग अब अमेरिका की गलियों गलियों में पहुंच चुका है और वहां पर संस्कृत की पाठशालाएं चलाई जा रही हैं। इसीलिए स्वामी रामानंद जी महाराज भारत देश की संस्कृति और सभ्यता को अमेरिका के शहरों में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। बताते चलें कि स्वामी रामानंद जी महाराज 1 महीने के लिए भारत भ्रमण यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में लखनऊ से चलकर बाबा विश्वनाथ दर्शन के साथ ही विंध्यवासिनी माता और सुल्तानपुर जिले में कल्पवृक्ष का दर्शन कर लौटे दस्तक भारत पर गांव देहात ने खास वार्ता की है।